हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्नेल के बेबीज़ की फास्ट ग्रोथ कैसे कराएं। तो अब डेली मेरा जो ब्लॉग डालता हूँ ना, शॉर्ट ब्लॉग, तो देखते होंगे ना, तो आपको पता होगा हमारे पास स्नेल के बेबीज़ कितने सारे हो गए। तो मैं आपको एक दो निकाल के बताता हूँ। ये तकरीबन 1 से 2 महीने के बेबीज़ है, तो देखिए कितने बड़े हो गए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इनको मैंने पहले तो छोटे पॉट में रखा था थोड़े बड़े हुए तक, और बाद में इस पॉट में इनको शिफ्ट कर दिया। और इनको ना मैं रोज़ 2 टाइम फीडिंग कराता हूँ, या कभी कभी 1 टाइम भी फीड कराता हूँ। और बाद में जो है ना, तो इनको मैं सब्ज़ी देते रहता हूँ, पालक के पत्ते या फिर आपको ऐसे चीज़ें देते रहना है। अभी मैंने इनको ना गोभी दिया था, जो पत्ता गोभी थे ना, तो वो बहुत बारीक बारीक टुकड़े करके मैंने इसमें डाला था ना, तो पूरे इसमें उन्होंने पूरे खा लिए, बस कुछ टुकड़े बचे। तो ये खाने के लिए ना ये 2 से 3 दिन लेते, तो अब इसको फेंके ना, ये खा लेंगे। और इसके अंदर ना हमारे फिश के बेबीज भी है, ये देखिए इधर, यहाँ पर ना हमारे फिश के बेबीज भी है। और आपको इनको ना जो हरी चीज़ होती है ना, वो इनको खाने के डाले। और इनको पहले तो छाव में रखे, जब छोटे बेबीज होते ना तो छाव में रखे, और बाद में तो थोड़े बड़े हो जाए तो इनको धूप में डालना। मैं आपको बताता हूँ कितने बड़े होने के बाद इनको बड़े पॉन्ड में शिफ्ट करना है। देखिए इतने बड़े होने के बाद अब इनको बड़े पॉन्ड में शिफ्ट कर दे। और ये देखिए छोटे पॉन्ड में ही था ना, तो जब से इतना ही है। और अब ये देखिए कितने बड़े बड़े हुए, ये वाले स्नेल कितने बड़े हैं और ये कितना छोटा है। और आपको पता है कि ये जो भी स्नेल है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही था, वो तकरीबन मेरे पास 4 से 5 महीने से ज़्यादा। फिर मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने बहुत दिनों तक रखा उसको, और मेरे पास सिंगल ही पीस था, तो उसने ही बेबी अंडे दे दिए थे। और सिर्फ सिंगल पीस ही था, अंडे दिए। फिर मैंने बड़े यूट्यूबर से पूछा कि भाई मैं अंडों का क्या करूँ, बेबीज़ निकलेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप रहने दो, उसमें से बेबीज़ निकल जाएंगे। तो बाद में हमारे पास देखे इतने सारे बेबीज़ है, तो ये उसकी माए। और अभी हमारा पानी ना ग्रीन हो जा रहा है, तो ये भी थोड़ा ग्रीन हो जा रहा है। आप कभी भी क्या करें ना, स्नेल का जो पानी होता है ना, वो ग्रीन ना होने दे, वरना ये भी ग्रीन हो जाता है, फिर ये अच्छा नहीं दिखता। देखिए ना कैसे दिख रहा है। तो मैं भी इसको साफ़ कर दूंगा ब्रश से, और अभी मैं इसमें रहने देता ना, तो लेकिन इसमें से वो निकल के चले जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी कम है और ये वाले पॉन्ड पे ना पानी ज़्यादा है, तो ये इसमें से निकल के नहीं जाता। तो हम वापस इसको इसमें ही छोड़ देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आप स्नेल को कैसे जल्दी बड़ा करना है। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हमारा ना रोज़ मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ, तो वो भी देखा करें।